नक्सलवाद के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोल्हान और चाईबासा के सारंडा में सक्रिय 12 नक्सलियों ने एक साथ पुलिस के सामने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी 1 करोड़ रुपए के इनामी मिस्टर बिसरा दस्ते के नक्सली हैं। हालांकि किन किन नक्सलियों ने सरेंडर किया है और किस हथियार के साथ सरेंडर किया है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि कोल्हान के जंगल में पिछले 1 साल से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बूढ़ा पहाड़, बुलबुल जंगल, खूंटी, चाईबासा और सरायकेला खरसावा के ट्राई जंक्शन क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद सुरक्षा बलों का फोकस पश्चिम सिंहभूम के सारंडा क्षेत्र में है और सभी बड़े नक्सली इसी क्षेत्र में सिमटे हुए बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी कामयाबी, झारखंड पुलिस को एक साथ 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लगातार नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और एक साथ 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है पुलिस के सामने, क्या पूरी जानकारी? जी बता दें कि निश्चित रूप से चाईबासा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां नक्सली बैकफुट पे चले गए हैं और लगातार पुलिस का दबिश सारंडा के जंगलों में, पोड़ाहाट के जंगलों में रहा है। पिछले एक साल से जो है कि अभियान चल रहा है। कई 1 करोड़ मिसिर बेसरा जो 1 करोड़ के इनामी नक्सली है, उनके साथ और भी कई नक्सली है जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण करने की सूचना मिल रही थी। इसी पर जो है कि पुलिस पिछले 1 साल से जो है लगातार सर्च अभियान चला रखा है। उसी अभियान का परिणाम है कि आज एक साथ 1 दर्जन से अधिक नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। चलिए बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मिस्टर बिसरा दस्ते के 12 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है।